है हमारे मामू की एनिवर्सरी, तो आप लोग ने और मुआनी को बहुत सारी मुबारकबादें दीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। पापा, मम्मा। गिफ्ट ले लिया है हमने, बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं। तो मोनू भाई और हम दोनों हो गए रेडी और चलते हैं पार्टी में। चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और बस यहाँ से आज का ब्लॉग जो है शुरू कर रहे हैं लंच से। तो लंच में बना रही हूँ दाल, खड़ी मसूर की दाल बनाई है, चावल, और ये मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो इसको कट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम की रखी हुई थी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। और हाँ जी, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो मैं इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं कि कमेंट आते हैं कि अभी आप ज़ोर से बोला कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आती है। तो अब और ज़्यादा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगी ताकि आप तक मेरी आवाज़ जो है अच्छे से पहुँच सके, है ना? ठीक है, तो बस यहाँ पे चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद में ही मैंने जो है तुरंत ही खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे गुलाब जामुन जो बनाए हुए थे उसको गर्म कर रही हूँ। तो नीचे जो चाशनी वाले थे ना, तो बस वो चाशनी वाले पहले निकाल ले रही हूँ, उसके बाद में जो ऊपर रखे हुए थे उसको नीचे डिप हो जाएंगे चाशनी में, तो इसलिए गर्म कर रही हूँ उसको। और बस माइक्रोवेव में रख दिया गर्म करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से गर्म हो जाते हैं इसीलिए। और बस यहाँ पे भी मिर्च वगैरह कट कर रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए। मिर्च, टमाटर, प्याज कट करूँगी, बस यही तीन चीज़ मुझे कट करनी है। और धनिया मैंने कट करके रख लिया है ऑलरेडी, तो बस अभी उसमें डाल दूँगी। और जो है कल मैंने सानिया के बर्थडे की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, तो उसमें सानिया को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था आप लोगों ने। तो सानिया की तरफ से, सानिया की फैमिली की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से सब आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी सानिया को। अच्छा लगा हम सबको ही, और बस ऐसा अच्छा लगता है ना, देखो जब किसी से हमें दुआएं मिलती हैं, किसी से हमें तारीफ़ सुनने को मिलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ही क्या, सबको ही अच्छा लगता होगा, है ना? तो बस यहाँ पे हमारा जो है खाना बन चुका है, अभी मैं इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। ये सारे डिब्बे वगैरह सब पोंछ के मैंने रख दिए हैं, और बस एक आध हफ्ते में इसकी भी सफाई होती ही रहती है, वो तो आप लोगों को पता ही है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। तो बस इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर सारी गैस और स्लैब सब साफ़ कर दूँगी। तो आज जो है ना, मैंने थोड़ी सी मिर्च भी फ्राई कर ली क्योंकि ना दाल के साथ मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। तो क्या है ना, मिर्च भी काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो फिर मैंने मिर्च भी फ्राई कर ली हैं, बहुत अच्छी लगती हैं फ्राई वाली मिर्च। और हाँ जी, मैंने आप लोगों के साथ में जो है वेज थाली शेयर की थी और नॉनवेज थाली भी शेयर कर चुकी हैं, वाहू वाली थाली शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कमेंट करके कि अब आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना कि मैं कौन सी थाली बनाऊँ। तो वह मतलब कुछ कमेंट मेरे पास में आए थे कि साउथ इंडियन थाली बनाएँ या फिर ओनम थाली जो होती है वो बनाएँ, तो मैं कोशिश करूँगी वैसे क्या क्या रेसिपीज़ होती हैं उसमें, तो सारी चीज़ें मैं देखूँगी, फिर ट्राई करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से ये पूछना है कि ओनम थाली कौन सी होती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि मैंने पहली बार सुना है ओनम थाली। तो ठीक है, मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या रेसिपीज़ होती हैं थाली में और किस टाइप से बनाई जाती है, सभी कुछ मुझे शेयर करना। तो अभी बस मेरा यहाँ पे जो है सारा काम हो चुका है, खाना पीना बन चुका है, अब मैं जाऊँगी नहाने और फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो बस चलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, मैंने ना एक आध हफ्ते से मैंने जो है कपड़े नहीं धोए थे अपने, तो बस क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रही थी और फिर इसी वजह से क्या है ना, कपड़े नहीं सूख पाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो धूप निकलेगी उस टाइम पर ही धोएंगे। और बस अभी बारी आ गई है, एक हफ्ते से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो अभी धो लेते हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो बस इसीलिए पहले लाइट लाइट वाले कपड़े डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं डार्क वाले कपड़े डालूँगी। यहाँ पे मेरे वाइट वाले कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं तीन चक्कर में जो है तीन बार में मेरे कपड़े धुलते हैं। तो बस यहाँ पे क्योंकि ना वाइट कपड़े अगर पहले से ही कलर के साथ में डाल दूँ तो फिर वो कलर लग जाता है,
तो वाइट कपड़े में अलग से ही धोती हूँ। और यहाँ पे जो है वीडियो शूट मेरा सानिया कर रही हैं, सानिया यहाँ पे खेल रही थी मेरे मोबाइल के साथ में, तो फिर मैंने ही बोल दिया कि मेरा वीडियो शूट कर लो चलो, तो फिर इसलिए उसने वीडियो शूट कर दिया। और यहाँ पे ये लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि आज है भैया और बाजी की एनिवर्सरी, तो इसीलिए उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए गए हैं। मोनू भाई भी गिफ्ट लेने के लिए गए हैं और ये भी, तो फिर वैसे ही मुझसे बोल रहे थे कि तुम चल रही हो तो साथ में तुम चलो, तो फिर मैंने मना कर दिया था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, तो फिर इसीलिए। और यहाँ पे ये लोग बुकेट वगैरह देखने के लिए आए थे, यहाँ पे फूल देख ही रहे हो आप लोग, फूल वगैरह सारे बिक रहे हैं, माला वगैरह मिलती हैं। और हाँ, हमारे यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी बन चुकी हैं अब तो, वरना पहले तो इतनी ज़्यादा हर जगह खुदाई 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 चल रही थी, लेकिन अभी इस टाइम पे जो है ना हमारी यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, और कई कई जगह पे अभी ऐसी खुदी भी पड़ी हुई हैं, तो बन ही रही है, काम लगातार चालू है। और यहाँ पे ये आ गए हैं बुकेट बनवाने के लिए। बना के दोगे? बना के दोगे, ये 700 रुपये का तो थोड़ा बड़ा गुलाब अच्छा लगे यार ना। बताओ कहाँ पे चले आप? जूट वाले के चले, हाँ गणेश की दुकान है उसके पास में है ना। अच्छा चलो, मोनू भाई कैसा लगता है सीफ्री में? बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़िया सड़कें डल गई हैं, सड़क बहुत अच्छी हो गई है, और काफ़ी काम वाम भी चल रहा है यहाँ पे। पुलिया है ना सामने वाली, वो भी चौड़ी होने वाली है। हाँ, पुलिया पुलिया भी चौड़ी हो जाएगी। हाँ, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, सीफ्री तरक्की पे है। हाँ, स्मार्ट सिटी बन जाएगी सुपरी। हाँ, बस मास्क लगाना जरूरी है। हाँ, हर कोई लगाए भी है मास्क, सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, सेफ्टी जरूरी है। हाँ, सेफ्टी जरूरी है। जी है निर्वर, इस पे देखें तो यहाँ पे ये आ गए हैं इस वाली शॉप पर, तो यहाँ पे पहले गिफ्ट आइटम देखेंगे, तो फिर देख ही रहे थे यहाँ पे, कुछ उनको ख़ास नहीं लगा तो इसलिए यहाँ से दूसरी शॉप पर गए हुए थे। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना गिफ्ट की क्या लें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गिफ्ट वगैरह ख़रीदने में। तो हमें ये दुकान पे कुछ पसंद नहीं आया, हम जा रहे हैं दूसरी दुकान पे। तो जो है पहली वाली शॉप से तो इनको कुछ भी नहीं पसंद आया था, तो जहाँ से हम लोग हमेशा ही लेते हैं वहीं पे ही आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ही अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है गिफ्ट मिल जाते हैं, और हर एक पर्पज़ से, तो बस इसीलिए यहाँ पे एनिवर्सरी के पर्पज़ से ही ये जो है मतलब गिफ्ट लेने के लिए आए हुए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सीनरी वगैरह या कुछ यूनिक सा आइटम मिले, तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से इनको। तो यहाँ पे देखो इनको, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं इनकी शॉप पर, ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ। और ये यहाँ पे जो है ना जो हल्दी की रस्म में पहनी जाने वाली जो ज्वेलरी होती है फूलों वाली, वो भी मिल रही है। तो पता नहीं क्यों देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए देख रहे थे शायद कि बच्चों के लिए ले चलेंगे। गिफ्ट ले लिया है हमने, बहुत अच्छे गिफ्ट मिले हैं। चलते हैं जूस पीने। चलो जूस पीने।
यहाँ पे जो है ये बुकेट हो गया है रेडी, तो इसका जो फाइनल टच होता है वो ये कर रहे हैं भैया, क्योंकि बाकी सारे काम जो है इनके मार्केट के हो चुके हैं, गिफ्ट्स वगैरह इन्होंने ले लिए हैं, लास्ट ये रह गया था, तो वही शॉप पर आ गए क्योंकि इन्होंने बोल दिया था, पहले से ही ऑर्डर दे दिया था इसका कि तुम बना के रेडी रखना, तब तक हम मार्केट घूम करके आ रहे हैं, तो बस अभी ले रहे हैं यहाँ से। आज है भैया और बाजी की एनिवर्सरी, तो आप सब लोग उनको विश कर दीजिए, बहुत सारी दुआएं दे दीजिए, सबको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अल्लाह उनका जोड़ा में सलामत रखे, प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे, है ना, आमीन सुम आमीन। और बस मैंने जो है अपना ब्लॉग शुरू कर दिया, आप देखते हैं कंटिन्यू कहाँ तक चलता है। ये गए हैं मार्केट कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए, मुझसे बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है तो इसलिए मैं नहीं गई, और मोनू भाई और ये दोनों ही गए हैं, तो देखते हैं क्या लेकर के आते हैं, बस चलिए थोड़ा बहुत जो भी काम है वो कर लेते हैं। हाँ तो वो आ गए हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, हमारी किचन की जो लाइट है बड़ी आँख मारती है सबको, बार बार से जलती बुझती रहती है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, तो खैर चलो काम कर लेते हैं। गिफ्ट ले आए, क्या लेके आए मुझे तो दिखाओ, आपने तो आके ऐसे रख दिया जैसे मेरे लिए दे रहे हो गिफ्ट। अब तो चेक कर दूं क्या मोनू भाई, इधर तो देखो, अब तो देखो, अब तो सरप्राइज है, क्या है इसके अंदर, सरप्राइज गिफ्ट। अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है, आज तक नहीं बता, मेरे लिए सरप्राइज है, मैं भी नहीं कैसे ऑन कैमरा नहीं बता रहा हूं, ऑफ कैमरा बता देंगे। अच्छा अच्छा है, हाँ वैसे दिखाओ, मैं गैस करके देखूंगी क्या। सर वो गिफ्ट एक और रख के इनकी डॉल को उतार देना, खेल लेंगे दोनों। कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, मुझे तो भी इरशाद की तरफ से कितना अच्छा है। नहीं नहीं चालाकी चल रही है यहाँ पे, पूछा जा रहा है कान में, बताओ कान में बताओ कैसे क्या ले गया। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो है सारे ड्रेसेस निकाल लिए हैं, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी वाली ड्रेस पहनूं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए सिंपल सा ही कुछ पहन लूँ। ये मेरा येलो वाला गाउन है, ये भी मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहना है, ये है मेरा गरारा, तो ये तो एकदम पार्टी वियर लग रहा है, तो शादी वादी के मतलब से, है ना। और ये साड़ी मैंने निकाली थी, तो इस साड़ी से मुझे याद आया कि जो मैंने फर्स्ट टाइम जो साड़ी पहनी थी वो यही वाली साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी जो है मैंने 1 month एनिवर्सरी पर पहनी हुई थी अपनी, और फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी मैंने, तो ये साड़ी मतलब अच्छी लगती है मुझे, ये रखी हुई है। ओ कौन सा वाला ड्रेस पहनूं, और कुछ मैंने सिंपल कपड़े भी निकाल के रख लिए हैं क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं रहे हैं, तो फिर घर में ही हैं। एक मैंने ये रेड वाला सूट निकाला है, तो ये सूट भी मेरा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक है ये चिकनकारी कुर्ता, तो मैं सोच रही हूँ उसी को डाल लूँ क्योंकि घर में ही है, घर में ही पार्टी हो रही है, और ज़्यादा हैवी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ यही वाला कुर्ता डाल लूँगी। और इसके साथ में ये सरारा निकाला है मैंने, तो ये सरारा मैं पहन लूँगी, है ना। तो चलिए इन सब को रख देते हैं अब, और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में नेल पेंट लगा है, तो नेल पेंट नहीं है, ये मेरे हाथ में लगा है कलर, स्केच कलर जो होता है ना वो लगाया हुआ है, एकदम से छूट जाता है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सारी चीज़ों को रख देते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। Thank you.
इन्नु आज क्या है? पार्टी आज है मेरी बर्थडे पार्टी। हो गए हैं रेडी और अभी इन्होंने सब कुछ फैला दिया, इसको समेट देती हूँ। तो मोनू भाई और हम दोनों हो गए रेडी और चलते हैं पार्टी में। चलो यहाँ पे हमारी बिट्टू सानिया भी हो गई तैयार, दिख नहीं रही हैं आप, दिख गई हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मामू मानी की एनिवर्सरी है। अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड? हम सब हो गए हैं तैयार। तो ये बुकेट है हमारे प्यारे से और लवली से कपल के लिए। ये बुकेट लेकर आए हैं। रोज, रियल रोज है एकदम। तुम ये दोगी कि ये दोगी? ये बताओ। मैं नहीं, आप देना ये। आप ये दे देना, मैं ये दे दूँ। ओके, पक्का? ओके। इसको भी निकाल लो पहले। तो जी, आज का ड्रेस भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये पहना है मैंने, ये चिकनकारी कुर्ता। तो ये मैंने पहना है चिकनकारी कुर्ता, उसके नीचे पहन लिया है मैंने शरारा, ठीक है। और ये मैंने दुपट्टा लिया है, तो मैंने कुछ बस यही ड्रेस पहना है मैंने, सिंपल सा। और ये वाले इयररिंग्स ले लिए। अभी सब कुछ बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है, मुझे चेंज करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाद में बिछा दूंगी, तो इग्नोर करना, ठीक है।